Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session of 25 days, 25 topics of practice of medicine, and the topic that we are going to discuss today is gout. Friends, मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स. तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा, आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल टॉपिक्स देयर. नाउ व्हाट इज एक्चुअली गाउट. ठीक है, तो गाउट क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन. यूरेट क्रिस्टल्स जो है, इनका एक्यूमुलेशन जब जॉइंट्स में होने लगता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हमें गाउट की प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या है? अगर कोई पर्सन है जिसमें क्रोनिकली हाई यूरिक एसिड है, ठीक है, यूरिक एसिड उसका हमेशा बढ़ा रहता है, तो उसमें गाउट होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है. अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मेल्स में ये ज्यादा होने की टेंडेंसी होती है. अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है गाउट की तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है. देन ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन ओबीस है या फिर किडनी डिजीज से सफर कर रहा है किसी, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अगर प्रोटीन डाइट्री इनटेक ज्यादा कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कई बार ऐसा होता है कि यूरिक एसिड फॉर्मेशन इंक्रीजेस एंड दैट इज हाउ दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू गाउट फॉर्मेशन. देन एल्कोहल के इनटेक की वजह से भी ये ज्यादा होता है. ज्वाइंट्स अफेक्टेड, तो इसमें लार्जर ज्वाइंट्स ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट एंड समटाइम्स स्मॉलर ज्वाइंट्स में ऑल्सो भी अफेक्टेड. ओके, अभी हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पर. तो इसके ज्वाइंट्स जो होते हैं दे आर सॉलन, दे आर पेनफुल एंड सबक्यूटेनियस डिपॉजिट्स, जिसको हम गाउटी टोफाई या फिर गाउट नोड्यूल्स कहते हैं, वो चीज गाउट स्टोन्स, दीज आर प्रेजेंट. सो सबक्यूटेनियस डिपॉजिट्स भी यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं. अब हम डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए, ये यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से हो रहा है, तो अगर सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो दिस इज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और यू कैन यूज दिस फॉर डायग्नोसिस. देन यूरेट क्रिस्टल्स आपको जॉइंट्स में मिलेंगे, बोन्स में इरोजन्स मिल सकता है, एक्सरे एंड एमआरआई के लिए भी आप जा सकते हो. दीज आर ऑल्सो गुड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गाउट. नाउ मैनेजमेंट की बात करें तो आप NSAIDs के साथ जा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर ओरल स्टीरॉइड्स. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन लाइफ स्टाइल चेंजेस जो भी आप कर सकते हो ताकि गाउट प्रिवेंट हो पाए. तो अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट एल्कोहल का इनटेक करना इज causing more damage, increased protein intake is causing more damage, obesity is causing more damage, तो आप इन सारे modifiable risk factors, these can be modified, and what are those? These are alcohol का consumption, then next what is it? Protein, okay, protein का intake, and obesity को भी आप prevent कर सकते हो by doing exercises. ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को करोगे, सॉरी इन दोनों को प्रिवेंट करोगे और इन चीज को अप्लाई करोगे, देन यू कैन ऑब्वियसली कोप अप विद गाउट. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट टुडेस सेशन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा. एंड अगर आप अपकमिंग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का वीडियोज मिस नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑल ऑफ देम विल बी एक्सप्लेन लाइक दिस ओनली विद हैंड रिटन नोट्स, सो प्लीज मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.